ऑटोमोबाइल की जानकारी पाने के लिए क्लिक कर दीजिए इस लाल कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन भोला और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भोला मैकटेक में। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि CNG किट काम कैसे करती है। तो CNG किट्स कैसे काम करती हैं, इसके अंदर कौन कौन से अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट का क्या काम है, और अगर वो कंपोनेंट लगे हैं तो क्यों लगे हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको इस वीडियो में कि CNG किट्स काम कैसे करती हैं इन सब के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद ज़रूर आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी पता चले, और जो जिनको भी आप जानते हो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कर सकते हो कि उनको भी पता चले कि CNG किट कैसे काम करती है। तो देखते रहिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि यहाँ पे पूरा एक डायग्राम बना हुआ है, बहुत ज्यादा हॉचपॉच सा, उसके उस डायग्राम को समझेंगे जिसमें कि आपको पता चल गया कैसे CNG कहाँ से एक सिलेंडर से निकल के कैसे इंजन तक पहुंचते हैं, क्या क्या बीच में वॉल्स होते हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे। तो ये है सबसे पहले सिलेंडर, इसके अंदर 200 बार तक के प्रेशर में CNG को स्टोर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रेशर रिलीज वॉल्व, ये इसलिए होता है कि कभी बाय चांस CNG के जो सिलेंडर है इसमें प्रेशर बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से या कोई भी रीजन की वजह से प्रेशर बढ़ जाए, तो यहाँ से प्रेशर को रिलीज कर देगा ये। उसके बाद यहाँ पे आता है एक रीफ्यूलिंग वॉल्व, CNG यहाँ से निकली प्रेशर रिलीज वॉल्व से होते हुए आई रीफ्यूलिंग वॉल्व पे। रीफ्यूलिंग वॉल्व होता है वन वे वॉल्व, यहाँ से अगर आपको फ्यूल कभी जैसे मतलब CNG खत्म होती है तो CNG इसी पॉइंट के थ्रू भरी जाती है, लेकिन इसके थ्रू बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि होता है वन वे वॉल्व। तो रिफिलिंग वॉल्व का इस टाइम पे कोई काम नहीं क्योंकि CNG तो बाहर अभी निकल रही है। तो अब आ गया है तो यहाँ पे आता है CNG गेज, जो बताता है कि क्या प्रेशर है, क्या फ्लो है, इन सब के बारे में बता सकता है वो। तो इस गेज के थ्रू यहाँ से जा रहा है ECU में सिग्नल कि वो ECU पहले से ही भांप लेगी कितना CNG मेरा निकल रहा है, कितना प्रेशर है CNG का, तो उसके हिसाब से वो रेगुलेट करेगा। आगे आते हैं CNG रेगुलेटर। अब जो इसके पास सिग्नल आए, एक यहाँ पे CNG रेगुलेटर में टेम्परेचर सेंसर भी होता है, तो ये जो टेम्परेचर सेंसर है ना, ये टेम्परेचर सेंसर इसको सिग्नल भेज देता है कि कितना टेम्परेचर है CNG का। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उस हिसाब से प्रेशर वेरी करता है ना, इसलिए इसको टेम्परेचर सेंसर भी लगाना जरूरी है। और ये टेम्परेचर सेंसर, उसके बाद फ्लो रेट सेंसर, उसके बाद यहाँ पे आता है कि अब वो रेगुलेट करेगा कि अगर ये टेम्परेचर है, अगर ये वेलोसिटी है, अगर ये मेरा प्रेशर है, तो इस हिसाब से मेरा CNG जानी कितनी चाहिए। तो उस हिसाब से ये क्या करता है, यहाँ से सिग्नल भेजता है CNG रेगुलेटर के पास, जो CNG रेगुलेटर है वो रेगुलेट कर देता है कि कितने CNG सही है, वो उतनी आगे CNG भेजेगा। आगे आता है गैस फिल्टर। जो गैस फिल्टर है बेसिकली इसलिए है कि जो गैसेज हैं वो सारी साफ साफ आगे जाएँ, कोई डस्ट पार्टिकल ना हो, कोई डर्ट ना हो उसके अंदर, अच्छी खासी गैस बाहर जाए। उसके बाद जो गैस है उसके बाद आती है गैस किट के अंदर। तो गैस किट आपने ज़रूर सुनी होगी कि गैस किट क्या है क्या है क्या है, लेकिन मेरे को भी जब मैं पढ़ा इसके बारे में तो पता चला कि गैस किट क्या है असलियत में, कैसे काम करती है। यहाँ पे जो गैस किट है ये गैस और एयर का मिक्सचर बनाती है, तो यहाँ पे इसको गैस या फिर फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर के लिए भी डिवाइस बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो आगे पाइप आ रहा है उसमें बना हुआ है एयर फ्यूल मिक्सचर, और एयर फ्यूल मिक्सचर जा रहा है इस पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पे इनलेट मैनिफोल्ड में, और इस इनलेट मैनिफोल्ड से ये आएगा इनलेट मैनिफोल्ड के बाद इंजन के अंदर, और जब भी वॉल्व खुलेगा उसके बाद कंबशन हो जाएगा। तो इतना सिंपल सा मेथड है, इसके थ्रू यहाँ पे CNG हमारे इंजन तक पहुँच रही है और उसके बाद वो इसका सारा काम कर जाती है। तो इस CNG के जो किट है उसके अंदर यही सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सिलेंडर, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के वॉल्व्स, गेजेस, और CNG रेगुलेटर, गैस फिल्टर, गैस किट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका यहाँ पे, और उसके बाद डायरेक्ट इंजन में। अब बात करते हैं कि गैस किट कैसे काम करती है। गैस किट जो है बेसिकली सारे वॉल्व्स का फंक्शन तो इतना सा होता है कि उसका जो ओपनिंग है उसको बंद धीरे धीरे करके कम करते रहोगे तो वॉल्व छोटा होता जाएगा और उतना कम वहाँ से फ्लो होगा। तो अब बात करते हैं कि गैस किट जो है ये अलग से टर्म है, इसका क्या मतलब है। तो ये गैस किट है, ये पूरा एक गैस किट के अंदर सिस्टम होता है। इसकी वर्किंग कुछ कुछ सिमिलर है, काफ़ी हद तक सिमिलर है कार्बोरेटर जैसी। तो यहाँ पे कार्बोरेटर में भी जैसे एक वेंचुरी ट्यूब होती है वैसे यहाँ पे भी वेंचुरी ट्यूब है। यहाँ से एयर सक कर रही है और यहाँ से एयर भेज रहा है, और ये आगे कनेक्टेड है इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू। तो इनलेट मैनिफोल्ड में जो पिस्टन नीचे जाएगा तो सक्शन होगा तो यहाँ से एयर फ्लो अंदर की तरफ करेगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे आके एरिया कम हो गया, तो जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ड्रॉप होगा क्योंकि एरिया कम होने से वेलोसिटी बढ़ जाती है एरिया वेलोसिटी रिलेशन की वजह से, और जब वेलोसिटी बढ़ जाती है किसी भी एरिया में तो प्रेशर कम हो जाता है बर्नौली प्रिंसिपल की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया,
जब यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो ये कुछ सक्शन करने की कोशिश करेगा। तो ये जो फ्यूल लाइन आप देख रहे हो यहाँ से साइड से कनेक्टेड है इस यहाँ पे जो चैम्बर है इसके थ्रू, ये जो चैम्बर है यहाँ से कनेक्टेड होता है ये डायरेक्ट सिलेंडर के थ्रू। अब क्या दिक्कत, ये अब ये यहाँ से कनेक्ट होता है इसके थ्रू, तो ये जो चीज़ है ना ये कनेक्ट होती है इस जो फ्यूल लाइन के थ्रू। अब यहाँ पे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये तो पूरे सिलेंडर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन मेरे को यहाँ के लिए प्रेशर चाहिए जीरो, यहाँ पे जीरो प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तभी उसके जब उससे नीचे प्रेशर जाएगा तभी वो सक्शन का फर्क पड़ेगा। वरना अगर 200 बार प्रेशर में सीधा डाल दो तो भाई साहब पूरी की पूरी गैस एकदम से उसमें इंजन में आने की कोशिश करेगी और तो फिर कुछ काम ही नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या किया है कि जितनी एयर जाए उतने अगर फ्यूल भेजना है तो उसको जीरो प्रेशर पर लाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक वॉल्व है और जब जैसे ये पूरा चैम्बर भर जाता है ये वॉल्व बंद हो जाता है, तो क्या होता है जो भी गैसेस के अंदर होंगी वो सारी की सारी जीरो जीरो प्रेशर पे होंगी। ठीक है, जैसे ही इसमें जीरो प्रेशर होगा क्रिएट उसी समय ये वॉल्व बंद हो जाएगा, और जैसे ही इसका प्रेशर कुछ कम हो जाएगा क्योंकि फ्यूल अगर यहाँ निकल गया उसके बाद अगर कुछ प्रेशर कम हो गया तो उसी समय यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से ये थोड़ी सी गैसेस को अंदर लेगा और जैसे ही जीरो हो जाएगा फिर से वॉल्व को बंद कर देगा। तो जितनी भी गैसेज इसके अंदर रहेंगी वो जीरो प्रेशर पर रहेगी। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे लो प्रेशर है, जीरो से कम प्रेशर है, तो जितनी भी गैसेज होंगी यहाँ पे वो यहाँ पे जाने की कोशिश करेगी धीरे धीरे करके, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा गैसेज मूव करती हैं। तो गैस यहाँ पे जब मूव करेगी यहाँ पे आएगी तो एयर के कॉन्टेक्ट में आती वो एक एयर और फ्यूल का एक मिक्सचर बना लेगी। अब जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ से इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू इंजन के अंदर जाएगा तो कम्बशन होगा, और कम्बशन होगा और उसके बाद हमारा इंजन चल जाएगा, और ये वही सिंपल सा प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ समझ में आया होगा आज की इस वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लगी होगी आपको इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए यार, क्योंकि दोस्तों के साथ जब शेयर करोगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि सीएनजी किट होती क्या है। तो उनको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार अभी क्या इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, लेकिन बाय चांस कुछ अगर नहीं समझ में भी आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के पूछे यार मुझसे, मैं उनका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर आप पूछते हो कई बार मेरे को भी वो चीज़ें नहीं आती, तो जब मैं नेट पर सर्च करता हूँ तो मेरे को भी काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा करो जिससे कि मैं जल्दी जल्दी जवाब दे सकूँ उनका, और मैं भी अपनी नॉलेज बढ़ाऊँ और आप भी अपनी नॉलेज बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए, यूं ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते रहिए, कमेंट करते रहिए, बस इतना ही तो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।